मैंने तुमसे प्यार किया है तो प्यार का इजहार किया है। हमारा जो फिटनेस लेवल है वो कम अज कम मेरा और चित्रा का तो नहीं है। नहीं, मेरी बात क्यों कर रहे हो? अपनी बात सुने। मेरा फिटनेस लेवल ओके से ये पाकिस्तान के एरिया है, जब से आगे जो है ठीक है, से जाऊं आगे आप आगे से पैर मार के चली जाओ। अबे मैं गीली हो जाऊंगी। हाय रिहान, रिहान का मतलब पता है क्या होता है? रिहान का मतलब होता है फूल। तो ये भी तो छोटा सा फूल है जी। तो क्रिकाल गांव का कदीमी कब्रिस्तान देखने के बाद हमने रुख किया शखनंदा गांव का, जो कि बम्बू रेत का सबसे आखिरी गांव है और ये भी बेहद खूबसूरत गांव है। चारों जानेब अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियां, नीला आसमान, बहते चश्मे और क्या ऐसा कि जो आप सोचें और आपके सामने ना हो। बेहद खूबसूरत गाँव। तो देखते हैं अब इस गाँव को। अच्छा बताएं अभी हम ये किस एरिया में आए हैं? अब गुमरेत के एरिया आखिर बाला तक आए हैं। यहाँ हिंदुस्तानी लोग भी यहाँ पहले आकर आबाद हो चुके हैं, लेकिन टॉप से नीचे ये पाकिस्तान के एरिया है। टॉप से आगे जो है ठीक है, हिंदुस्तान है ठीक है। ये आखिरी गांव है बम्बोरेत का, ये आखिरी गांव है ठीक है। के आखिरी गांव जो है यहाँ पे आ चुके हैं। इस गांव को भी नूरिस्तान कहते हैं? नूरिस्तान नहीं कहते, हाँ। शखनंदे कहते हैं, शेखान वाला गांव कहते हैं। शेखान वाला, शेखान वाला गांव कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पर और मौसम भी, धूप तो बहुत तेज है लेकिन जैसे ही आप छांव में आते हैं तो बहुत अच्छा एक प्लेजेंट सा फीलिंग आती है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। आसमान अगर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल साफ सुथरा नीला आसमान नज़र आ रहा है। पत्थर के अनुसार नहीं कर पाए तो हमारे जो गाइड हैं इस वक्त उस बड़े पत्थर पे विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो जा पहुँचे हैं जी। तो इस वक्त हम इधर विलेज में हैं और बेसिकली दिस इज मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये थोड़ा यहाँ पे पर्दे का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे इसलिए भी नहीं बना रही कि ये लोग अपने पर्दे का स्पेशल ख्याल रखते हैं। यहाँ पे फीमेल भी आपको इस तरह ओपनली बाहर नज़र नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली एज अ टूरिस्ट आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई कम्युनिटी चाहती है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना की जाए, तो मेरा ख्याल है कि उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक अच्छे टूरिस्ट की तरह आप उस एरिया को विज़िट करें और बग़ैर किसी को तंग किए, परेशान किए आप वहाँ से जाएँ। इसको मेडो कह सकते हैं इस जगह को? ग्रासलैंड इज मेडो, मेडो ही है। साफ पानी का चश्मा है ये। एक सेकंड, हाँ आगे आ जाओ। मैं कैसे जाऊँ आगे? आप आगे से पैर मार के चली जाओ। अबे मैं गीली हो जाऊंगी। अच्छा रहीमुद्दीन साजिद और सही, यहाँ पर ये आ गया है ट्राउट फिश फॉर्म है। हाँ। देखनी है वीडियो? हाँ। ये देखो फिर चल रहे हैं। हाय ये फिश फॉर्म है ट्राउट का। अब्दुल अदनान फिश फॉर्म है न्यू बम्बोरेत। अगर आपको होपफुली मैं दिखा पाऊँ तो इस वक्त यहाँ पे बेबी ट्राउट हैं, छोटी फिश हैं, बड़ी नहीं है अभी। अच्छा तो बेटा आपका नाम क्या है? पारी। हाँ? पारी। मेरे पास अच्छा आप अपना नाम बताओ। रिहान। रिहान, रिहान का मतलब पता है क्या होता है? रिहान का मतलब होता है फूल।
तो ये भी तो छोटा सा फूल है। फूल है। हम यहाँ पर आपको विजिट करवाते हैं दरिया का। यार एक तो हम लोग जो है ना, हमने अपनी लाइफ इतनी आरामदेह बना ली है कि थोड़े बहुत भी पत्थर हों, क्रॉस करने हों, वक्ता पड़ जाता है कसम से कि भाई वरना गुजरे कैसे इन पत्थरों से। वो दो बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं पानी में। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मुझे लगता है कि ना तो कैमरा कैप्चर कर पाता है वो खूबसूरती, और ना ही हम कभी भी अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो खूबसूरती इस वक्त यहाँ पर है वो। मेरा ख्याल है आप अपनी आँखों से देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। अदरवाइज़ कोई भी दुनिया का कैमरा जो है ना, कितना ही अच्छे से अच्छा हो, वो इसको कैप्चर नहीं कर सकता। जो हैं जा रहे हैं ग्लेशियर की जानेब, लेट्स डिसाइड, अभी हमने डिसाइड करना है कि जाना किस साइड से है, कि ये रास्ता कि ग्लेशियर की जानेब खुला है तो यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ दूसरी साइड से जाएंगे। तो आई थिंक सो ही कह रहे हैं कि ग्लेशियर की तरफ ये वाला रोड जो है ये ओपन है, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अब हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बहुत खूबसूरत व्यू है इस ब्रिज का। होपफुली मैं आपको दिखा पाऊँ। लकड़ी का ब्रिज है, इस साइड पानी है, वो जो दरिया जा रहा है इन्होंने बेसिकली बंद बांधा हुआ है कि खुदा ना खासा जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो जो पानी का फ्लो है वो उसको रोकने के लिए इन्होंने पानी के साथ ही बंद बांध दिया हुआ है। जैसा कि हमारी डिस्क्रिप्शन में आपने लफ्ज़ देखा होगा फेरीलैंड, परियों की आमाज का, यकीनन ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है, ये परियों की जगह है और ये जन्नत के का टुकड़ा है ये जगह। यहाँ पे इतने शोर के साथ चलता हुआ साफ शफाफ पानी, नगमगी के साथ चलती हुई हवाएं, खूबसूरत और खुशल खान चिरिंद परिंद, यकीनन यकीनन ये सब कुछ जन्नत का मंजर है, इससे कम नहीं है। सामने से आपको छुड़ाने के चक्कर में मैं गिरी हूँ, पानी से भर गए आपको बचाते बचाते। मुद्दे बाल क्या मुद्दा डाला आपने, गिर गया, आपने गिरा दिया ना, ये देखिए ये दोनों बॉम्ब भीग गए। तो जनाब बहुत मुश्किल से चल के हम फाइनली यहाँ तक पहुंचे। तो यहाँ पहुँच के मुझे एक शेर याद आया, खैर मैं पोइट्री में इतनी अच्छी नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो एक शेर याद आ गया कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शेर को तरन्नुम के साथ नहीं गाया। तो मुझे यहाँ पहुँच के ख्याल आया कि अगर शायर यहाँ बैठ के महबूब को ये कहता तो उस गरीब ने तो कभी पहुँचना ही नहीं था जैसे हम नहीं पहुँचे ग्लेशियर पे। हम तो वैसे ही बहुत पहुँचे हुए हैं। अब हम चलते 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 ये जो आखिरी हमारा शखनंदा नाम का गांव था हिंदुस्तानियों का, वहाँ से हम तकरीबन एक घंटा वॉक करके आ गए हैं यहाँ पे। हमारे खूबसूरत झरने, तेज पानी चल रहा है और यहाँ पे करीब ही ग्लेशियर है, लेकिन हमारा जो फिटनेस लेवल है वो कम अज़ कम मेरा और तिजरा का तो नहीं है। नहीं मेरी बात क्यों कर रहे हैं, अपनी बात करें, मेरा फिटनेस लेवल ठीक है।
पितरा का घोटे तो उसने यार जो इतने सेवेंटीन हाँ जो घोटे हैं वो रिटायर हो गए हैं तो मैं तो मेरा ख्याल है कोई घंटा एक और चल सकता हूँ तो पितरा के आप इस वक्त देखें तो वो जो पूरा इस लोटस का आसन में ना के तो इस वक्त ये बजट के पेट के नीचे ना अपनी चुड़ैल का बसेरा हाँ ज्ञान मिलने का इंतजार हो रहा है तो ये अब भी यहाँ पे कौन सी मेडिटेशन हो रही है बस कुछ हो रहा है बाकी है मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है एवं कह रहे हैं मेरे बारे में मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है सिर्फ एक गोडे दुख रहा है कल 300 सीढ़ियाँ चढ़ी थी मैं इसी वजह से हो रहा है अदरवाइज आई तो जनाब आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं व्यू दिखाने के लिए चलना पड़ेगा तो इसलिए जो नजर आ रहा है बस बैठ के ही देखो जिस वक्त मैंने नदी ने मुट्ठी भर के तो हमें किशमिश दिए तो ये आज हमारा दोपहर के खाने जी तो यहाँ पे हमारे साथ के बाकी तीन नहीं चार लोग जो हैं वो ग्लेशियर देखने चले गए और क्योंकि हमें लगा कि हमारा फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं है कि हम मज़ीद आगे वॉक कर पाएं तो हम यहीं पे बैठ गए शेर जान साहब के साथ तो यहाँ बैठ के हमने फ़ायदा उठाया अपने पास एक फ्री टाइम का और शेर जान साहब से हमने डिटेल्ड में डिस्कशन की उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जाना वहाँ के कल्चर के बारे में जाना और उनसे इस तरह की और डिफरेंट छोटी छोटी डिस्कशंस भी की सुधारा होता है लेकिन हम खुश है इस हमारा जगत से जो खुश है यह हमारा जगत ठंडा लगता है सर्दी में बहुत ठंडा भी है अगर गर्मी में इतना गर्मी नहीं है जो और जगह के सामने हमारा वो नहीं इसी नहीं चलाते है हम वो पंखा नहीं चलाते है बिल इतना नहीं आता है कम बिल है ज्यादा ज्यादा लोग बिल आते हैं तो 500 या 600 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने इतना बीमार नहीं था अगर बीमार होता तो या बूढ़ा या वगैरह वो मरता था आप इस तरह बीमारी है हार्ट की बीमारी ज्यादा है ये कैंसर का बीमारी नहीं था अब ये पैदा हुए ज्यादा है अभी अभी कम से कम 20 साल हो गया मेरा ख्याल तो इसलिए आटा यहाँ 3,300 का मिलता था अभी मेरा ख्याल कोई 2,800 कुछ कम होगा तो जो ये बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका आप समझते हैं कि आपके कल्चर के ऊपर कोई बुरा बद लोग इस तरह है थोड़ा बेवकूफ लोग भी होते हैं वो अलग उनका क्योंकि वो खानदानी लोग होते हैं तो वो लोग बहुत प्यार से वगैरह से लोगों का सामना बात वगैरह प्यार से करते पर लोग ये कोई नशा होकर थोड़ा बेहतर रखा से बात करते हैं हमारी तो दुआ है कि आप लोग बढ़े आपकी ये जो कल्चर है ये सलामत रहे आप पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत आप हमारा जी तो जनाब यहाँ पे क्या खाया जा रहा है वैसे यहाँ पे बर्फ को खाएंगे पियेंगे दोनों ये ग्लेशियर की फ्रेश बर्फ है राइट जहीशा और मलकमती और हमारे राणा साहब और उनकी अहिया ये नापे थे ऊपर ग्लेशियर तक और ये जाके हमारे लिए सौगात वहाँ से लेके आए हैं और मलकमती ने लगते ग्लेशियर के पत्थर भी निकाल रहे हैं बेटी के लिए पत्थर लेकर आए हैं चुन के चाहती अभी दिखाते खानियों के लिए वहाँ की सौगात बर्फ लेकर तो हमने फिर मौके का फायदा उठाया और शेर जान भाई से गाना सुना क्योंकि ऐसा खूबसूरत मंजर हो गाना ना हो ये कैसे हो सकता है La 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 la
ला 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 ला। मैंने तुमसे प्यार किया है तो प्यार का इजहार किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है तो प्यार का इजहार किया है, जिंदगी बरसात में रहूंगा तो मैंने ये इकरार किया है, जिंदगी बरसात में रहूंगा तो मैंने ये इकरार किया है। पत्ते हैं कोई यहाँ के लोकल है झाड़ी कोई, और इसको खाते हैं इसके पत्तों को, ये हमारे गाइड है इन्होंने तोड़ के दिया। वापसी पे फिर हम शेरजान के घर गए, उन्होंने इतने प्यार से इनवाइट किया था तो मुनासिब नहीं लगता था कि हम उनको इनकार करते। उनके घर जाके हमें बहुत खुशी हुई, उनके बच्चे बहुत खूबसूरत थे, उनके नवासे थे वहाँ पे। आइए आपको भी मिलवाते हैं। इस्लामाबाद आती हैं, चक्कर लगाएं हम लोगों की तरफ। हाँ भाभी, हम तो सर्दियों में उधर होते हैं महीना, तो आए ना हम लोगों की तरफ। ठीक है ना, आ जाएंगे। ये हम लोगों की तरफ आए थे, हमारे घर भी आए थे। बता दिया बड़े भाई। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया ओरिजिनल स्टोन्स का। क्या है ये ओरिजिनल? फिरोजा ओरिजिनल फिरोजा गिफ्ट किया। टॉफी है मेरे पास अभी भी। और कौन लेगा स्वीट्स? अच्छा ये उसकी मिसेज है। अच्छा ये मेरे भाई की है। अच्छा और ये इसके लास बेटी है। अच्छा और ये इसके रिविजन इसके बेटी, अभी ये स्कूल टॉप कर ले, इन्होंने ए प्लस ले लिए। माशाल्लाह, वाह जी, यू आर सो इंटेलिजेंट। हाँ फिर तो एक और टॉफी बनती है आपकी, आपने टॉप की है। टॉप किया है स्कूल में। यस यस, शहजादा है। Okay, tell me your name. ये पकड़े। ये नंबर है। दे दो ना। ओह सॉरी। ये कौन है? ये बाबी को इंग्लिश बोलते ही जरा कर्चिप होते हैं, पता नहीं। जी तो जनाब, यहाँ पे हुआ हमारे एक खूबसूरत दिन का इख्तिताम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना भी आपने नहीं भूलना। चलें जी, आप अब वीडियो का एंड भी एंजॉय करें, क्योंकि हमने भी शाम का जो इख्तिताम किया वो भी एक खूबसूरत गाने से किया। Shut up, my son.